लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। नगर पालिका चीका में चेयरपर्सन अमनदीप कौर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 19 अगस्त को गोहरा रोड पर बने कम्युनिटी हॉल में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला उपायुक्त कैथल रवि प्रकाश गुप्ता व SDM मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में कई जाने माने कलाकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कई तरह के कार्यक्रम पेश करेंगे। यह प्रोग्राम शाम 4 बजे से शुरू होगा। ये आज का जो हमारा है विषय, ये हरियाणा संस्कृति कार्यक्रम है, जो जिसमें हरियाणा के बहुत ही सम्मान्य बड़े बड़े कलाकार आएंगे और इस पे जो हमारी सरकार की स्कीम है माननीय मोदी जी ने हमारे भारत को बचाने के लिए बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो मुहिम चलाई हुई है उसके तहत हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि चीका कम्युनिटी सेंटर में है। कब का है प्रोग्राम? ये प्रोग्राम 19 तारीख को है, शाम को 4:30 बजे। मुख्य अतिथि पर कौन शिरकत करेंगे? DC साहब, माननीय हमारे DC साहब। गोहाना के विधल गांव में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। पत्नी ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने ही पति को जलाकर मारने का प्रयास किया। इस दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों के बयान पर सदर थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी व भाई की पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अम्बाला मंडल रेल प्रबंधक दिनेश कुमार व वरिष्ठ रेल अधिकारी 70वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शनी लगाने पहुंचे। इस प्रदर्शनी में DRM दिनेश कुमार ने विशेष रेल विभाग के चित्र को सहारा और कहा कि इस तरह के चित्र को रेल विभाग भी लगाएगा। अच्छा लगा हमको तो, इनफैक्ट आप जैसे ही रिक्वेस्ट किया था तो हमें थोड़ा सा भी असमंजस में थे, जाए नहीं जाए, लेकिन हम नहीं आते तो हमें बहुत खेद होता है। इसमें रियली बहुत ही जो रेयर एंड रेयरेस्ट जो फोटोग्राफ्स हैं वो यहाँ ने डिस्प्ले किए हैं, और सबसे अच्छी बात हमको ये लगी कि उनके फोटोग्राफ्स के बारे में उनको पूरी जानकारी भी है, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया तो रियली काफ़ी टचिंग था। और जो इन्होंने प्रथा शुरू की है रियली वास्तव में बिल्कुल अप्रिशिएबल है। सर, आज़ादी के दौरान रेलवे का सराहनीय योगदान रहा, अम्बाला के रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो रियली देख के बहुत अच्छा लगा, और जैन साहब से मेरा अनुरोध रहेगा, हालांकि वो खुद ही उन्होंने ऑफर किया है कि इनकी प्रति हमें मिल जाए तो हम भी अपने इसको डिस्प्ले करेंगे और हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो देख पाएंगे और वास्तव में उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।